नमस्कार, पीबी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कोमल खंडोत्रा। आइए नजर डालते हैं दिन भर के प्रमुख सुर्खियों पर। बोकलाए पाकिस्तान की नापाक हरकत, बालाकोट सेक्टर में किया संघर्ष विराम का उल्लंघन। गुलाम नबी आजाद ने कहा, मुझे जम्मू कश्मीर के लोगों की चिंता, वापस आकर सुप्रीम कोर्ट को सौंपूंगा रिपोर्ट। अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब डोगरी भाषा की नहीं होगी अपेक्षा। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर लगेगा कई गुना जुर्माना। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के दौरे की इजाजत देने के लिए उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने सोमवार को कहा कि उन्हें राज्य के लोगों की चिंता है और वापस आकर वे शीर्ष अदालत के समक्ष अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को सोमवार को सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में ले लिया गया। इतना ही नहीं, जिस स्थान पर अब्दुल्ला को रखा जाएगा उसे एक आदेश के जरिए अस्थायी जेल घोषित कर दिया गया है। पीएसए के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखा जा सकता है। जम्मू कश्मीर के हालातों पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वे खुद जम्मू कश्मीर जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से इस आरोप पर रिपोर्ट मांगी है कि लोगों को उच्च न्यायालय से संपर्क करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसी दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट जाऊंगा। आइए नजर डालते हैं जम्मू की हलचल पर। जम्मू हलचल। सोमवार को फिर से जम्मू संभाग के किश्तवाड़ जिले में कर्फ्यू लग गया। लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई। शुक्रवार को पीडीपी नेता के अंगरक्षक से राइफल छीनने के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया था। जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले के बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तानी सेना ने रविवार देर रात संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। इस दौरान भारी गोलाबारी व मोर्टार शेलिंग भी की। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की चौकियों को भारी नुकसान पहुंचने की सूचना है। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद डोगरी भाषा की अपेक्षा नहीं होगी। वर्षों से डोगरी भाषा अपेक्षा का शिकार रही है। इसके चलते डोगरी भाषा का संपूर्ण विकास नहीं हो पाया। ये बात केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रविवार को कुंवर वियोगी ऑडिटोरियम के लोकार्पण कार्यक्रम में कही। इस कार्यक्रम का आयोजन डोगरी संस्था जम्मू और कुंवर वियोगी मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से संयुक्त रूप से किया गया। आज से मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत ट्रैफिक के नए नियम लागू हो गए हैं। उल्लंघन पर पहले से भी कई गुना जुर्माना भरना पड़ेगा, इसलिए पूरे दस्तावेजों के साथ घर से वाहन लेकर निकले। दो पहिया वाहन चालक हेलमेट और चौपहिया चालक सीट बेल्ट जरूर बांधे। ट्रिपल सवारी और रेड लाइट जंप का तो सोचे भी नहीं। ट्रैफिक नियमों का पूरी तरह पालन करने पर ही बच सकेंगे। जम्मू के रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर सीसीटीवी लगाने की कवायद शुरू होगी। स्टेशन पर अच्छी क्वालिटी वाले 56 के करीब नए सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। रेलटेल कंपनी की ओर से ये सीसीटीवी लगाए जाने हैं। फिरोजपुर डिवीजन के 10 रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिसमें जम्मू और उधमपुर स्टेशन भी शामिल है। कठुआ पुलिस द्वारा 12 सितंबर को राज्य में दाखिल होते गिरफ्तार किए गए जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों से पूछताछ जारी है। पुलिस रिमांड के दौरान कठुआ पुलिस के साथ साथ अन्य एजेंसियां भी आतंकियों को हथियार सप्लाई करने के मॉड्यूल का पर्दाफाश करने में जुटी है। सूत्रों के अनुसार पुलिस को गिरफ्तार किए गए आतंकियों से कई महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल हुई हैं, जिसके बाद कठुआ पुलिस की विशेष टीमें गठित कर दिल्ली, पंजाब और कश्मीर के लिए रवाना की गई हैं। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल ने प्रधानमंत्री को घाटी के हालात के बारे में जानकारी दी। मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। अनुच्छेद 370 के कारण हर क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पीछे चला गया था। इसके हटते ही स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। कई बड़े ग्रुप राज्य में अस्पताल खोलने को इच्छुक हैं। इनमें मेदांता और अपोलो ने अस्पताल खोलने की सहमति जताई है। हालांकि पहले से कुछ ग्रुप यहां अपनी ओपीडी चला रहे हैं। अलबत्ता जम्मू कश्मीर में नारायणा ग्रुप को छोड़ दें तो कोई बड़ा निजी अस्पताल नहीं है। नारायणा ग्रुप श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के साथ मिलकर कटरा में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चला रहा है। मेदांता, द मेडिसिटी, फोर्टिस एस्कॉर्ट, अपोलो जैसे ग्रुप पहले भी अस्पताल बनाने की रुचि दिखा चुके हैं, लेकिन 370 हमेशा आड़े आया है। शारदीय नवरात्र पर माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा मार्ग पर 2400 घंटे बैटरी कार सुविधा मिलेगी। इससे बुजुर्ग, दिव्यांग और बीमार श्रद्धालुओं को विशेष लाभ होगा। माता श्री वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO सिमरनदीप सिंह ने बताया कि दिव्यांग मरीज और बुजुर्ग श्रद्धालु श्राइन बोर्ड के केंद्रीय कार्यालय के साथ ही निहारिका कॉम्प्लेक्स कार्यालय में अपने जरूरी कागजात दिखाकर हेलीकॉप्टर से यात्रा के लिए तत्काल सेवा का लाभ उठा सकते हैं। कुलजीत सिंह जम्वाल, वाइस प्रेसिडेंट श्री अमर क्षत्रिय राजपूत सभा ने प्रेस वार्ता करके इस बात की जानकारी दी कि अब नारायण सिंह सभा के प्रधान नहीं है। जो इसके पास एम्प्लॉइज हैं,
उनके नाम से इसने चेक निकाले हुए जो हमने सारे कोर्ट में पेश किए और अब जो है क्राइम की इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो गई है कोर्ट प्रोसेस के साथ साथ। हमने उसमें इसके समन भी निकाले हैं जिनको ये तब्दील नहीं कर रहा है और अब जो वो समन है वो पुलिस के थ्रू वहां पे जा चुके हैं, लेकिन अभी हमें ये श्योर नहीं है क्योंकि इसमें डिपार्टमेंट का आदमी भी इसके साथ चल रहे हैं। हम उनको भी आगाह करना चाहते हैं और वार्न भी करना चाहते हैं जो इसको गवर्नमेंट ऑफिस खासकर पुलिस डिपार्टमेंट के बंदे इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि आप ये एक बरादरी का मसला है, बरादरी की डेवलपमेंट का मसला है, इसमें आप बराए मेहरबानी अपने आप को कल्पित मत बनाएं। जम्मू यूनिवर्सिटी के उर्दू डिपार्टमेंट ने एक सेमिनार का आयोजन किया। उनका शुक्रिया, ये सेमिनार यही खत्म नहीं होता, मुशायरा सदा और जिसमें डॉक्टर मिनाश और ज्यादा रंग भर दिए। मैं समझता हूं करना चाहता हूं कि मैं उस स्वीपर का जिसका नाम क्या नाम है पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल होगी फिर से मुलाकात, तब तक देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय जेम ऑप्टिशन एंड कॉन्टेक्ट लेंसेज, नई बस्ती जम्मू, नरेंद्रा सन एंटरप्राइजेज, रेजिडेंसी रोड जम्मू, कृष्णा डायग्नोस्टिक लैब कमिटेड टू प्रूव क्वालिटी पेशेंट केयर एंड डायग्नोसिस अंडर वन रूफ, 51/9 त्रिकुटा नगर नियर पुलिस स्टेशन, पूरी एक्सक्लूसिव वुमेन डिजाइनर सूट साड़ीज लहंगाज एंड ब्राइडल गाउन्स, गणेश दया नर्सिंग होम तलापतिलो रोड बिहाइंड पेट्रोल पंप पक्का गराज जम्मू, फ्रेंड्स टॉयज विजिट फॉर ऑल काइंड्स ऑफ टॉयज फॉर ऑल एज ग्रुप संजीनगर जम्मू।